गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पूर्विता द्विवेदी एंड आई विल टीच यू मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नेम इज़ बीइंग ऑनेस्ट इन एग्जाम्स। Is it better to be honest or to do well in your exams? Is it okay to cheat under any circumstance? क्या जब भी हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम लोगों को अच्छा करना चाहिए और हमें पूरी ईमानदारी से पेपर देना चाहिए, या फिर चीटिंग करना ओके है, चीटिंग करना सही है? सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर चैप्टर। मिस अब्राहम वॉज वेरी वरीड। मिस अब्राहम जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वरी थी, बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। She had heard some rumors of the student of her class using unfair means during class test to get more marks. उनके क्लास के जितने भी बच्चे थे या कुछ बच्चे जो भी थे आपस में जो लोग बात कर रहे थे उनकी बातें सुनती हैं कि वो लोग क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छा मार्क्स पाने के लिए वो लोग कुछ गलत काम करने जा रहे थे, कुछ गलत सोच रहे थे कि किस तरीके से उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। She was sure that it was not possible that all the students were being dishonest. लेकिन वो एक बात के लिए श्योर थी कि सारी क्लास एक साथ डिसहोनेस्ट नहीं हो सकती है। मीन्स अगर 54 स्टूडेंट्स की क्लास है तो 54 के 54 टोटल बच्चे डिसहोनेस्ट तो नहीं हो सकते। उसमें से कुछ ही बच्चे तो डिसहोनेस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो ईमानदारी से पेपर देना चाहते हैं। तो वो इतना श्योर थी कि सारे बच्चे डिसहोनेस्ट नहीं हैं। She did not want to punish anyone without knowing for sure if these rumors were true. So she decided to put them to the test. वो किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना चाहती थी जब तक कि वो श्योर ना हो जाए कि बच्चे कुछ ऐसा सोच रहे हैं या जो भी वो लोग रूमर सुनी थी, जो भी उन्होंने बातें सुनी थी, वो नहीं चाहती थी कि उस बेसिस पे, सिर्फ बातें सुनने के बेसिस पे वो किसी भी बच्चे को पनिश करें। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक चीज़, एक आइडिया डिसाइड किया, एक बात सोची कि क्यों ना इन बच्चों का टेस्ट लिया जाए। द नेक्स्ट डे इन क्लास, क्लास के दूसरे दिन मिस अब्राहम आस्क्ड सैम टू डिस्ट्रीब्यूट द मैथमेटिक्स वर्कशीट। मिस अब्राहम जो थी वो सैम को बोलती हैं कि मैथ्स की जो वर्कशीट है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दे आर इन द क्लासरूम कबर्ड ऑन द मिडिल शेल्फ सैम, कुड यू प्लीज टेक देम आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द क्लास। वो सैम को बोलती हैं कि क्लास में जो कबर्ड रखा है उस कबर्ड के मिडिल शेल्फ में, मिडिल वाले सेशन में मैथमेटिक्स के वर्कशीट हैं, क्या तुम पूरी क्लास को ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? राइट अवे मिस अब्राहम, सैम सेड। तो जो सैम रहता है वो मैम को रिप्लाई करता है कि यस मैम। ही ओपन द कबर्ड, वह कबर्ड को ओपन करता है। एज ही वॉज लुकिंग फॉर द वर्कशीट टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग कॉट इज हाई। जैसे ही वो कबर्ड में मैथमेटिक्स की वर्कशीट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखता रहता है, ढूंढता रहता है कि कहाँ है वर्कशीट, तभी उसकी आँखें एक चीज़ को देखती हैं, उसकी आँखें चीज़ देखती हैं उसी कबर्ड में। इट वॉज अ स्टैक ऑफ शीट्स, वहाँ पे शीट का बंडल रखा होता है। दे वर कॉपीज ऑफ द ज्योग्राफी टेस्ट डैट वॉज सपोज टू टेक प्लेस द नेक्स्ट डे। सैम डिड नॉट रिएक्ट, ही जस्ट क्वाइटली टुक द मैथ्स वर्कशीट एंड वेंट अबाउट हिज टास्क। तो जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे एक शीट्स का बंडल रखा रहता है, वो किस शीट का बंडल रहता है, ज्योग्राफी का, जो कि नेक्स्ट डे पे होने वाली टेस्ट रहता है, उसी का, ज्योग्राफी का टेस्ट की शीट रखी रहती है। लेकिन वो उस पर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है सैम। वो जल्दी से जाता है और मैथ्स की वर्कशीट को लेते हुए अपने टास्क को परफॉर्म करने में लग जाता है। आफ्टर द क्लास सैम टोल्ड हिज क्लासमेट अबाउट व्हाट ही हैड सीन। जैसे ही क्लास ओवर होती है सैम अपने क्लासमेट्स को सबको बताता है कि उसने कबर्ड में क्या देखा। शुड वी टेक आउट द टेस्ट एंड शी व्हाट क्वेश्चंस आर कमिंग टुमारो, लारा सजेस्टेड। क्लास में जो लारा रहती है वो सजेस्ट करती है सारे क्लासमेट्स को। लारा जो रहती है वो डिसाइड करती है, सारे क्लासमेट्स को बोलती है चलो क्यों ना हम लोग ज्योग्राफी की शीट को, क्यों ना हम लोग जो ज्योग्राफी की वर्कशीट रखी है उसमें से देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं।
आई डोंट थिंक दैट वुड बी फेयर ऑन एवरी वन, ओबेड आर्ग्यूड. जो क्लास में ओबेड नाम का लड़का रहता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये फेयर होगा, ये सही होगा हम लोगों के लिए. इट इज़ फेयर इफ़ एवरी वन गेट्स टू सी द क्वेश्चन, वी विल ऑल बी ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड देन, सैम सेड. सैम कहता है कि पूरी क्लासमेट, जितने भी क्लास के बच्चे हैं, सभी लोग जब देखने जाएं कि उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तभी ये फेयर होगा. ऐसा नहीं कि हम पांच लोग या जितने लोगों का ग्रुप है, जिसने सिर्फ देखा है, जो हम लोग के फ्रेंड्स हैं वही सिर्फ देखें, बिल्कुल भी नहीं, तो ये अनफेयर हो जाएगा. लेकिन अगर पूरी क्लास साथ में देखती है तो ये फेयर रहेगा, सैम ऐसा कहता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैप्पी डैट दे नाउ नी Which questions would be asked in the exam? They would not have to study as much. क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे. क्यों? क्योंकि वो लोग जान जाते कि कल कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सिर्फ वही वही क्वेश्चन पढ़ते, सारा उन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. We will only study the answer to these questions, Obed said. जब वो लोग वर्कशीट देख लेते हैं तो जो ओबेड रहता है वो कहता है कि हमें सिर्फ जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की ज़रूरत है और हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. Yes, we will all score very high marks, Lara added. ओबेड की बात सुनते हुए लारा कहती है कि हाँ, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होंगे, हम लोग के जो मार्क्स आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा आएंगे. जरीन वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस होल आइडिया. क्लास में एक जरीन नाम का लड़का रहता है, वो उसको कोई भी आइडिया नहीं था इन सब बातों का. शी डिड नॉट वॉन्ट टू यूज़ अनफेयर मीन्स टू गेट मार्क्स. वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो किसी गलत तरीके से मार्क्स को गेन करे. शी वॉन्टेड टू बी हॉनेस्ट. वो ईमानदारी से पेपर देना चाहती थी. Even if it meant she would not perform as well as the other students, जैसे कि बाकी सारे students कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी उस तरीके से perform करना नहीं चाहती थी. All her classmates handled around to get a glimpse of the test, but she made sure not even to peek at it. सारी जो क्लास थी वो मिलके उसे कन्विंस करती है, उसको बोलती है कि चलो तुम भी चलो, क्वेश्चंस देख लो, कम पढ़ने को होगा, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे. लेकिन जो जरीन थी वो बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आई. अ फ्यू अदर्स ज्वाइंड हर. दे वर द ओनली वंस विलिंग टू पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ स्टडिंग द होल चैप्टर. जरीन के साथ साथ कुछ और भी बच्चे थे जो जरीन के साथ थे, वो चीटिंग करना नहीं चाहते थे, वो भी अच्छे से पढ़ के मार्क्स गेन करना चाहते थे. तो जरीन और जरीन के साथ और भी जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, पूरे होल चैप्टर्स को उन्होंने अच्छे से रिवाइज किया और कवर किया. द नेक्स्ट डे मिसेस अब्राहम प्रिपेयर टू गिव आउट द टेस्ट शीट. दूसरे दिन जो मिस अब्राहम थी वो एकदम रेडी थी टेस्ट शीट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देने के लिए. द क्लास लुक्ड अराउंड एट ईच अदर एक्सचेंजिंग नर्वस एंड एक्साइटेड लुक्स. जो क्लास के जितने भी बच्चे थे जिन्होंने पता था कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं, जिन्होंने वर्कशीट को देख रखा था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और एक दूसरे को बहुत ही एक्साइटेड लुक से देख रहे थे. दे हैड ऑल ओनली स्टडीड द क्वेश्चन दैट हैड सीन इन द वर्कशीट. और वो लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़े थे अच्छे से जो कि उन लोगों ने शीट में देखा था कि वो पेपर में आने वाला है. सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को उन लोगों ने क्या किया था, रेडी किया था. When the actual test paper was distributed, they were shocked. लेकिन जैसे ही मिस अब्राहम टेस्ट पेपर को डिस्ट्रीब्यूट की तो वो पेपर्स को देख के सारे बच्चे जो भी जिन्होंने एग्ज़ाम पेपर देखे थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए. द टेस्ट पेपर हैड क्वेश्चंस कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस दे हैड सीन ऑन द शीट द डे बिफोर. जैसे ही वो लोग पेपर देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए. क्यों? क्योंकि जो एक दिन पहले उन लोगों ने शीट देखी थी उस पेपर में दूसरे क्वेश्चंस थे और जो आज पेपर टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट थे. मींस जो
पेपर पहले एक दिन देखे थे और जो पेपर उनको डिस्ट्रीब्यूट हुए थे दोनों में क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। मिस अब्राहम लुक्ड अराउंड द क्लासरूम टू सी द चिल्ड्रंस रिएक्शन। जो मिस अब्राहम थी, जो उनकी टीचर थी, वो पूरे क्लास में घूम रही थी सारे बच्चों के रिएक्शंस देखने के लिए कि उनके पेपर को देख के उनका रिएक्शन कैसा है, वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। She noticed that only Zareen and a few other students had calmly began to write the test. जब वो क्लास के चारों तरफ घूम रही थी तब उन्होंने नोटिस किया कि जरीन और साथ ही साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स थे जो बहुत ही शांति से बिना कोई रिएक्शन दिए हुए वो लोग सिंपली अपना पेपर लिख रहे थे। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर पैंकिंग। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, जरीन और उसके कुछ फ्रेंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने एक दिन पहले टेस्ट पेपर देख लिए थे, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। क्यों पैनिक कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने टेस्ट शीट में तो कोई और क्वेश्चन देखे थे और जो क्वेश्चन उन्होंने देखे थे सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के आए थे, उसके अलावा तो कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं था। तो वो लोग सोचे जो क्वेश्चन पेपर में हम लोग क्वेश्चन देखें वही एग्जाम में आएगा, लेकिन टीचर ने क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो उनको टेस्ट करने के लिए रखी थी ना, उनकी हॉनेस्टी को वो जज कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया। जब क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया तो क्वेश्चंस भी चेंज कर दिए। अब उन लोगों को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न्यू वेरी फ्यू ऑफ द आंसर्स। कुछ बच्चे ऐसे थे जो उन्हें थोड़े बहुत आंसर्स आ रहे थे। शैम लुक्ड शॉक्ड। लेकिन जो शैम था वो बिल्कुल शॉक्ड था, एकदम वो शॉक्ड दिख रहा था। लारा हैड इवन स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी रियलाइज्ड शी वॉज गोइंग टू परफॉर्म वेरी बैडली। जो लारा थी वो तो रोना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला, उसके मार्क्स बहुत ही गंदे आने वाले हैं। दे लुक्ड अराउंड एट ईच अदर कन्फ्यूज्ड। वो लोग एक दूसरे को अपने चारों तरफ जितने भी और भी बच्चे थे उनको देख रहे थे बहुत ही शॉक्ड होकर और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होके। डोंट वरी मिस अब्राहम सेड, दिस इज़ नॉट द रियल टेस्ट। तभी जब सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होने लगे, अलग अलग उनके रिएक्शंस आने लगे, कोई रोने लगा, कोई डर गया एकदम, तो जो मिस अब्राहम रहती हैं वो बच्चों को कहती हैं डोंट वरी, ये रियल टेस्ट नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो ऑल ऑफ यू डैट चीटिंग विल नॉट हेल्प अस इन लाइफ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि चीटिंग करना हमारे लाइफ के लिए हेल्पफुल नहीं है। चीटिंग करने से हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पा सकते, अगर पा भी गए तो वो हेल्पफुल नहीं होती हैं। द स्टूडेंट्स ऑल रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स। जितने भी स्टूडेंट थे वो अपनी गलती को रियलाइज करते हैं। दे नाउ नो दैट वी शुड ऑलवेज बी हॉनेस्ट। वो लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। कब मोस्टली हमें कब किस समय पे? डिफ़िकल्ट के टाइम पे, हम कठिनाइयों के टाइम पे हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। All the students breathed a collective sigh of relief. जितने भी students थे एक उन्होंने आरामदायक एकदम आराम से सांसें ली और एकदम relax हुए। They all had learned their lesson और उन्होंने एक lesson सीखा। Never again would they try to take the easy way out. उन्होंने क्या lesson सीखा? कि वो लोग कभी भी कोई भी easy आसानी सा रास्ता कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं चुनेंगे। कोई भी क्यों इजी रास्ता हम लोग कब सुनते हैं? जब चुनते हैं जब हमें मेहनत ना करनी पड़े या कोई चीज़ आसानी से हमें मिल सकती है। गलत तरीके से ही हम लोग तो इजी वे चुनते हैं ना, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं हम लोग कभी भी कोई भी इजी वे को ट्राई नहीं करेंगे, इजी वे को चूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग इस स्टोरी को देखें तो इस स्टोरी में क्या था? जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग बातें करते रहते हैं कि हमें कैसे हम लोग मार्क्स को अच्छे अपने मार्क्स टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। तो वो लोग तो वही बातें उनके टीचर सुन लेती हैं और उसी को जज करने के लिए कि कौन बच्चा कैसा है, कौन डिसऑनेस्ट है, कौन ऑनेस्ट है। तो उन्होंने ज्योग्राफी की टेस्ट शीट रख दी थी मैथ्स की टेस्ट शीट के साथ कबर्ड में। जब शाम मैथ्स की वर्कशीट लेने गया तो उसने देखा कि कल पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, उसकी भी शीट रखी गई है। तो जैसे ही उसका मैथ्स का पेपर ख़त्म होता है वो सारे क्लासमेट्स को बताता है कि आज मैंने ज्योग्राफी की वर्कशीट देखी।
जैसे ही वो बताता है तो सारे क्लासमेट्स क्या रहते हैं, मैं कहते हैं कि चलो हम लोग क्यों ना उसके पेपर के क्वेश्चंस देख लें, और हैं जिससे हम लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आए। ऐसा होता है, लेकिन जो जरीन थी वो कहती है नहीं, वो बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट नहीं थी। तो वो क्या थी, एकदम ऑनेस्ट थी। इसलिए उसने बोला कि नहीं, मैं तो खुद से अपना सारा चैप्टर रिवाइज करूँगी और अपनी ईमानदारी से पेपर दूंगी। तो जो बच्चों ने पेपर देखा था उन्होंने वही वही क्वेश्चन पढ़ लिए थे। जब दूसरे दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट दूसरा पेपर मिल गया तो क्वेश्चंस डिफरेंट थे, तो वो लोग एकदम कंफ्यूज हो गए। तो उनकी जो टीचर थी वो उनको लेसन देती हैं कि हमें कभी भी कोई भी इजी वे नहीं चूज करना चाहिए कोई अच्छा काम करने के लिए। वो लोग क्या सोचे थे कि उन्होंने क्वेश्चंस देख लिए तो वो सोचे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे उनके, तो क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो फिर क्या मतलब एग्जाम्स होने का, क्या पता चलेगा हमें क्या पढ़ ले, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, क्या सीखा है। ऐसा तो बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से हर काम करना चाहिए, ईमानदारी से पेपर देने चाहिए, ईमानदारी से बातें करनी चाहिए, ईमानदारी सच बोलना चाहिए। कोई भी वर्क हम लोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमेशा उसमें हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। सो वॉट इज़ द मोरल ऑफ द चैप्टर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट इन आवर लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमें अपने लाइफ में हमेशा ईमानदार होना चाहिए। जब हमारा कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तब तो बिल्कुल ही हम लोग को ऑनेस्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल चैप्टर। आई होप यू विल गेट अंडरस्टूड। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।